आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो टुडे आई एम ब्लॉगिंग। तो अभी मैं दो तीन क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ जो बहुत फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछा जाता है। फर्स्ट तो मेरे से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि क्या आप सिंधी हो। तो कुछ लोग पूछते हैं सिंधी हो, कुछ लोग पूछते हैं पंजाबी हो। आई थिंक मेरे बाल लंबे हैं इसलिए, या मेरा टोन बहुत लाउड है इसलिए पंजाबी वाला फिगर आउट करते हैं। और सिंधी भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सिंधी ऐसे लगते हो, आप सिंधी हो क्या। तो ये वीडियोज़ में नहीं, मुझसे रियल लाइफ में भी जब मैं भोपाल में थी तो मुझसे बहुत लोग ये चीज़ पूछते थे कि आप सिंधी हो क्या। बट नो, आई एम नॉट सिंधी। आई लुक लाइक सिंधी, आई डोंट नो व्हाई, क्यों सिंधी जैसा मुझे बोलते हैं, बट आई एम नॉट सिंधी। इवन मेरी बहुत सारी सिंधी फ्रेंड्स हैं और वो सब बहुत क्लोज हैं। मतलब मैं जिन लोगों से फ्रीक्वेंटली मिलती रहती हूँ, दे ऑल आर सिंधीज। उनमें से दो तीन जो है वो सिंधी ही है और हम लोगों की काफ़ी पटती है। बट इवन उनकी भी मम्मियों से जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी ना, तो उन लोगों ने मुझे यही बोला था कि शी कम्प्लीटली लुक्स लाइक सिंधी। अभी सिंधी के क्या फैक्टर्स होते हैं आई डोंट नो। और उसके बाद जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी और जब मैं फर्स्ट ऑफिस में जॉब करती थी, वहाँ पर सब लोगों को ऐसा लगता था कि मैं दिल्ली साइड की जो पंजाबी होती है ना, मैं वो हूँ। बिकॉज एक तो मेरा टोन बहुत लाउड है, मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ, और मेरे बाल वाल लंबे हैं, और पता नहीं ऐसा क्यों ऐसा लगता था उन लोगों को कि मैं पंजाबी हूँ। तो मैं सबको बोलती थी ना मैं पंजाबी हूँ, ना मैं सिंधी हूँ। तो बेसिकली माई कास्ट इज आई एम हिंदू। मैं हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आई हूँ एंड दिस इज़ माई कास्ट। तो मैं वो क्लियर करती थी कि आई एम नॉट सिंधी, नीदर आई एम पंजाबी। और दूसरी चीज़, मुझसे वॉलेट को लेकर के बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि मैं कौन सा वॉलेट यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास दो तीन वॉलेट्स हैं, मैं जनरली छोटे वॉलेट्स ही पसंद करती हूँ। तो जो आपने मेरा पुराना वॉलेट देखा था गोल्डन इश कलर का, केप्रेसी का, उसके पूरे चीथड़े निकल चुके हैं, मतलब वो पूरा फट चुका है। तो उसके थोड़े टाइम पहले जब सेल स्टार्ट हुआ था तब मैंने फॉसिल से ये वाला वॉलेट लिया था। तो ये मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में बहुत अच्छा मिल गया था। वैसे इसका प्राइस प्रिटी एक्सपेंसिव, तो मैं अमेजन की फिर भी लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो जब बिग वाली जो सेल चलती है ना, बिग मिलियन डे एंड जो भी होता है, जो सेल्स आने वाली है, तो आप उसमें अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप स्टोर से लीजिए। स्टोर पे फॉसिल पे 50% डिस्काउंट चल रहा था। अभी इसका एक और मैं जो थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव वाला वर्जन है वो भी आपको दिखाती हूँ, जो कि मैंने परचेस किया था, यूज़ कर चुकी हूँ। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5-6 मंथ इसको भी यूज़ किया है। आई डोंट नो, मेरे सारे जो वॉलेट्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। जो अमाउंट है पूरा, जो भी पैसे वैसे कैश होते थे, वो मैं इसके अंदर रख लेती थी और यहाँ पर आराम से आपके कार्ड्स वार्ड्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता है। सो आई रियली लव टू कैरी छोटे वॉलेट्स, ताकि ये जब आप जीन्स पहनते हो और आपको कुछ भी कैरी करने का मन नहीं है तो आप इसको पॉकेट में डालो, मोबाइल हाथ में रखो और निकल जाओ। सो जो आसपास की जगह जाना होता है तो वो, ये थोड़ा सा थिक है और ये थोड़ा सा पतला है। तो ये मेरे को मिला था आई थिंक 400 रुपीज़ का। ये बहुत ही अफोर्डेबल है। इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। दिस इज बेसिकली अ कार्ड वॉलेट, बट काफ़ी अच्छा था ये भी, बट ये भी ख़राब होने लग गया है नीचे से, हल्का सा इसकी जो सिलाई है वो निकल गई है। तो मैंने एक वॉलेट्स को, ऐसा कहा जाता है कि आपकी वॉलेट अगर ज़रा से भी ख़राब होते हैं ना, तो वॉलेट को कभी भी अकॉर्डिंग टू वास्तु, मैं एकदम से वास्तु फॉलोअर नहीं हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं मानती हूँ, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि जिसमें आप पैसे रखते हो, जिसमें आप लक्ष्मी रखते हो, वो कभी भी फटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो मेरा वॉलेट जरा सा भी ख़राब होता है या कुछ भी उसमें से धागा निकलता है या कुछ भी होता है, फट जाए, क्रैक आ जाते हैं, तो फिर मैं इनको डिस्कार्ड कर देती हूँ, मैं कैरी नहीं करती हूँ उस तरह का वॉलेट। तो यस, मैंने बहुत ज़्यादा एक ही सांस में स्पीड में भड़ 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 बोल दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ राखी की शॉपिंग करने, मैंने कुछ भी परचेस नहीं किया है, मैं अपने घर जाने वाली हूँ। अब मैं फटाफट से निकलती हूँ, तो पहले मैं जाऊँगी डी मार्ट, क्योंकि मेरे जो होम टाउन है वहाँ पर भी मैं घर में टी शर्ट्स वगैरह पहनती हूँ। तो जिस ये भी डी मार्ट की टी शर्ट है, ये 149 रुपीज़ की है आई थिंक, हाँ ये 100 की नहीं थी, 149 की, बट ये बहुत कंफर्टेबल है। तो मैं यही पहनी हुई हूँ जब से आई है, बहुत बार मैं इसको दूसरी बार पहन रही हूँ ये। तो ये वाली टी शर्ट, इस तरह की टी शर्ट मैं दो तीन और लेकर के आऊँगी, और दो लोअर्स लेकर के आऊँगी अपने घर के लिए, वहाँ पर रखूँगी। और राखी लेकर के आना है मुझे, फिर मैं जाऊँगी विव्याना। तो ये मेरा अभी प्लान है, और अभी फटाफट से मैं लंच करूँगी और फिर निकलती हूँ, बिकॉज़ आज मैं लेट हो रही हूँ और आज मेरी कोई डांस क्लास नहीं था, और कल हम लोग निकलने वाले हैं रात में। बहुत स्पीड में बोलती हूँ मैं, इससे भी स्पीड में बोल सकती हूँ, बट मुझे पता है लोगों के सर के ऊपर से एरोप्लेन निकल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक के बोलती हूँ, अदरवाइज मैं इससे भी डबल स्पीड में बोल सकती हूँ।
थोड़ा टाइम लग गया मुझे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी चीज़ें लेने में. तो फाइनली मैं अपने लिए एक ड्रेस लेकर के आई हूँ और बीबा से लेकर के आई हूँ मैं. और ये मुझे पड़ा है 3299 इसका एक्चुअल प्राइस है. 20% डिस्काउंट के बाद 26 समथिंग में कुछ पड़ा है, 2672 ऐसा कुछ मुझे पड़ा है. ये पूरा ड्रेस मैं आपको दिखाने रही हूँ. फ्लोरल्स में है और मस्टर्ड एंड येलोइश मिक्स है उसमें. ये मुझे आई है साड़ी हैदराबाद तेलंगाना से unnatisilks.com. लेट मी सी इट. साड़ी विच आई गॉट एक्चुअली ये कलर है ना थोड़ा सा ग्रेइश ब्लू टाइप का है और बहुत छोटी छोटी ब्लैक कलर की इसमें ऐसे बूटी बनी हुई है और गोल्डन कलर का. बहुत सिंपल एंड बहुत सुंदर साड़ी है ये. बहुत ही प्रिटी लग रही है. आई रियली लाइक इट. थैंक यू उन्नति सिल्क. आई लाइक द साड़ी. ओके तो जो मैं डी मार्ट से लेकर के आई हूँ मैं आपको बहुत फटाफट से दिखाती हूँ. जैसे तरह से ये टी शर्ट है एक्चुअली ये 99 की नहीं है, ये 149 रुपीज़ की आती है बट स्टिल अफोर्डेबल. ये इस तरह का मैं एक ऑरेंज लेकर के आई हूँ क्योंकि ये इतनी सुपर कंफर्टेबल और इतनी सॉफ्ट है तो उसी का मैं ये ऑरेंज कलर का मुझे मिल गया तो मैं वो भी लेकर के आ गई हूँ. ब्लू कलर की टी शर्ट जो कि अगेन मेन सेक्शन, सब कुछ मेन सेक्शन से. इसके बाद मैं एक टी शर्ट लेकर के आई हूँ, ये ऐसे ब्राउन वी नेक की है. ये तो पर भी मुझे गर्ली लग रही है बिकॉज इस तरह की गर्ल्स की भी आती है. तो ये दिस वन इस तरह की मैं टोटल लेकर के आई हूँ 12 राखीज 3 और 3 6 पैटर्न की. फिर उसके बाद मैं एक लेकर के आई हूँ इस तरह के पैटर्न की. एक मैं हर बार बहुत स्पेशल राखी खरीदती हूँ तो वो आप सोच रहे हो ये स्पेशल राखी किसके लिए होती है, तो ये स्पेशल राखी मेरे खुद के लिए होती है. मुझे राखी बनवाने का बहुत शौक है तो मैं जिस तरह की राखी इमेजिन करती हूँ हो सकता है वो सामने वाला नहीं लाए. तो लास्ट ईयर टीनू ने जो मुझे राखी बांधी थी वो एक मैं खुद लेकर के गई थी और एक उसने मुझे बांधी थी. और या तो मैं भूआ से बनवा लेती हूँ या किसी से भी बनवा लेती हूँ, लेकिन एक जो मैं अपनी खुद की चॉइस की राखी खुद को बनवाती हूँ या मम्मी मेरी बांध देती है या पापा मेरी बांध देते हैं ऐसे ही. इट्स जस्ट बस यही मेरी शॉपिंग थी. और जो राखी ड्रेस है वो राखी के दिन ब्लॉग बनाऊंगी तब मैं आपको प्रॉपरली अच्छे से दिखाऊंगी या फिर मैं राखी वाले दिन पिक्चर अपलोड कर दूंगी कम्युनिटी टैब में. आई थिंक ये व्लॉग वैसे भी राखी, हाँ सॉरी राखी के पहले राखी चली जा चुकी होगी, मतलब राखी निकल जाएगी उसके बाद जाएगा ये वाला मेरा व्लॉग. तो मैं लेट चल रही हूँ एक्चुअली. तो ये थी मेरी शॉपिंग और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तो अभी तक मैंने पैकिंग स्टार्ट नहीं करी है तो आई टेक सम रेस्ट एंड देन आई वेट. हे गाइस, सो अभी एक्चुअली मैंने बीच में बिल्कुल भी कोई व्लॉग नहीं किया बिकॉज मैं पैकिंग कर रही थी और पैकिंग वैकिंग करते टाइम में मैं बिल्कुल भूल गई. और हमारी अभी ट्रेन है रात की 11 o'clock की ट्रेन है भोपाल के लिए एंड काफ़ी सारा सामान है. और पैकिंग करते टाइम ना मुझे बड़ा, मैं बहुत दिनों बाद भोपाल जा रही हूँ, मतलब आई थिंक 2.5 महीने 2.5 महीने हो चुके हैं तो इतना लंबा तो मैं बहुत जाती नहीं हूँ, नहीं तो अदरवाइज किसी ना किसी ओकेशंस में जाती रहती हूँ बट इस बार जा नहीं पाई मैं. तो काफ़ी दिनों बाद मैं भोपाल जा रही हूँ एंड ये रहा मेरा ट्रैवल बैग जो कि मेरा हैंड बैग है. इसमें इतना सामान भरा हुआ है, मतलब आपको ये वाटर बॉटल तक दिख रही होगी, इसमें वाटर बॉटल है, सब कुछ इसी के अंदर है, बहुत सारा चीज़ें हैं. तो मैं ना व्हाट्स इनसाइड माय ट्रैवल बैग ज़रूर दिखाऊंगी. सो उसके बाद एक ट्रॉली बैग है, ये रहा ट्रॉली बैग. फिर उसके बाद एक ये वाला बैग है जो विक्की का है जो जा रहा है हमारे साथ. और एक और हमारे साथ दो बड़े बड़े कार्टन्स जा रहे हैं. तो उन कार्टन्स, उन मिस्ट्री बॉक्सेस में क्या है वो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी फॉर श्योर. बट जब मैं भोपाल पहुंच जाऊंगी और वो सेफली पहुंच जाएं तब मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूंगी. बेसिकली वो हमको अनबॉक्सिंग घर पे ही करनी थी बट क्योंकि फिर हम उसको इस तरह से पैक नहीं कर पाएंगे, बारिश का सीज़न है तो दैट्स वाई हम लोग अनबॉक्सिंग नहीं कर रहे हैं उसकी. और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनी हुई हूँ. मैं ये टी शर्ट पहनी हुई हूँ विच इज़ फ्रॉम डी मार्ट और ये मेंस कलेक्शन वाली है. और पैरों में मैं अगेन H&M वाला जो पैंट है वो पहनी हुई हूँ. और अपना बैग मैं कैरी करूँगी और उसके बाद मेरा जो फुटवेयर है वो मैं आपको दिखाती हूँ. और मैं ये वाला फुटवेयर पहनने वाली हूँ, लूना ब्लू का. ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और बारिश में तो स्पेशली मैं इन्हीं को कैरी करती हूँ बिकॉज ये स्लिपरी नहीं है बिल्कुल भी और ईजिली मैं इसमें चल पाती हूँ. और ये है विक्की जो कि इन कार्टन्स को फिगर आउट कर रहा है ताकि पकड़ने में इजी रहे. तो यस, हे गाइस, तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे ये बड़े बड़े बॉक्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं घर पहुंचने के बाद इनको अनबॉक्स करूंगी तो आई शो यू इन अ बिट कि इसके अंदर क्या क्या सामान आया है. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. तो एक्चुअली इसकी पैकेजिंग पर लिखा हुआ है कि सावधान, कांच का सामान है, मतलब हैंडल विथ केयर, इसके अंदर ग्लास का सामान है. तो लेट मी ओपन इट फर्स्ट. वाह, वो
ओके, तो इसके अंदर शैंडलर्स हैं, तो मैं जब इसको इंस्टॉल कर लूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो बेसिकली ये मैंने परचेस नहीं करे हैं, ये मुझे एक ब्रांड ने भेजा है जिसका नाम है हरोल्ड इलेक्ट्रिकल, और इनकी 50 ईयर्स पुरानी स्टोर है दिल्ली में, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया इनका काम चलता है, और आप इसमें ऑनलाइन ऑर्डर्स भी कर सकते हैं, और लिटरली जो प्राइजेस हैं आप मार्केट से कंपेयर करोगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं इनके प्राइजेस। तो मैं दूसरा वाला जो पैकेज है वो ओपन करके दिखाती हूँ, और लास्ट में इसका मैं रिजल्ट डाल दूंगी कि कैसे ये इंस्टॉल होने के बाद दिख रहे हैं। चॉइस पूछी थी कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है, देन आई चूज बाय माई सेल्फ, मैंने पसंद किया और फिर उन्होंने भेजा उसके अकॉर्डिंग। पैकेजिंग बहुत अच्छी होकर के आई है। दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, मेरे पास सिर्फ एज अ प्रोडक्ट आया है, एज एन अ गिफ्ट बोल सकते हो आप उसको, और रिव्यू मेरे खुद के रहेंगे कैसा है क्या है, इंस्टॉल ईजिली हो रहा है कि नहीं हो रहा है सब कुछ। एक ये वाला जो शैंडलर है ना, ये थोड़ा मैंने मॉडर्न डिजाइन वाला बनवाया था। एज यू ऑल नो कि मेरा यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर घर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो ये वहाँ पर लगा दिया जाएगा, बिकॉज मुंबई वाले घर में तो ऑब्वियसली मैं रेंट पे रहती हूँ, और मेरे घर में ऑलरेडी परफेक्ट साइज़ का, जितना बड़ा रूम है उसके अकॉर्डिंग अच्छे साइज़ का है शैंडलर वो, तो दैट्स वाई। और ये उन्होंने मुझे फॉल सीलिंग LED जो स्ट्रिप होती है वो भी दी हुई है फॉल सीलिंग में लगाने के लिए। अभी ऑन करने में पता नहीं इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसकी इमेज मैंने क्या मंगवाया उसकी इमेज मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी कि बेसिकली आया क्या है और मैंने मंगवाया क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से पूरा सेट है, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ बिकॉज ये वायरिंग अगर गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा, दैट्स वाई। तो ये शैंडलर है, और इसकी वेबसाइट की जो डिटेल्स है वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी, इन फिन एनी केस आपको अगर वहाँ से परचेस करना है। हे गाइस, तो आज हम लोग, आज है नेक्स्ट डे भोपाल का, और हम लोग निकल रहे हैं अभी उज्जैन के लिए, और फिर हमारा प्लान है उज्जैन, फिर इंदौर एंड देन भोपाल, और मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ। तो ये रहे पापा, हेलो, ये है मम्मी, हाय, और ये मेरी बुआ, सबसे छोटी वाली बुआ। अभी से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं किया था बिकॉज मैं अपनी मासी के घर आ गई हूँ, उज्जैन के बाद हम लोग इंदौर आ गए थे, और राइट नाउ वी आर एट सराफा मार्केट, और जो लोग इंदौर के उनको आई थिंक ये पता होगा कि सराफा यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस फूड मार्केट है, यहाँ पर बहुत टेस्टी टेस्टी फूड मिलता है। मैं पहले भी आ चुकी हूँ, बड़े बार हम बिटी को लेकर के आए हैं। सो एक्चुअली जब हम लोग महाकाल गए थे उसके आने के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, बिकॉज वहाँ से जाने के बाद मैं इंदौर निकल गई थी, और इंदौर से आने के बाद मैं भोपाल में भी, हम जब से आए तब से ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरा ना बहुत अनईजी सा स्टमक हो गया था, स्टमक अपसेट भी हो गया था, क्योंकि बहुत इधर उधर 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 ट्रैवलिंग, यू नो ट्रैवलिंग सक्स फॉर मी, बट ओके, बट दिस ट्रैवलिंग वॉज फन। मेरी मासी के यहाँ जाकर के मैं एकदम रिफ्रेश्ड हो गई, मैं उनके यहाँ जाकर के बहुत मस्ती करती हूँ, ट्रस्ट में, मैंने एक भी बार मोबाइल निकाल करके ब्लॉग नहीं किया, सिर्फ सराफा जो मार्केट है वहाँ का खाने पीने वाला वो ही करा, उसके अलावा मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया बिकॉज मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी और बहुत मज़े कर रही थी। तो यस, और उसके बाद अभी मैं आई हूँ अपने इन लॉज के प्लेस पे, अभी यहाँ पर सिर्फ मेरे फादर इन लॉ, मैं और विक्की ही हैं कल से, और आज मैं रात में निकल भी जाऊँगी बिकॉज कल राखी है वापस से। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं ऑलरेडी मीशो के ऊपर काफ़ी सारी बार वीडियोज़ बना चुकी हूँ, और मैं भी एक और चीज़ आपको बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हम घर से काम कैसे कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन क्या क्या होते हैं, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन के ऊपर, हाउसवाइफ्स के लिए क्या है वो, मैं 30 ऑप्शंस मैंने एक वीडियो में शेयर किया वो बता चुकी हूँ, देन मीशो से रिलेटेड मैं वीडियो बता चुकी हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा वीडियो तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मीशो क्या है, जिनको नहीं पता है मीशो क्या है मैं उनको ये बता देती हूँ कि मीशो एक इंडियाज लार्जेस्ट रीसेलिंग ऐप है, ये एक ऐप है जिसमें आप रीसेलिंग का बिजनेस कर सकते हैं घर बैठ करके ही। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नीचे का जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करना है, अपने उस ऐप को डाउनलोड करना है, और आपका जो रीसेलिंग का बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ना ही आपको कोई शॉप की जरूरत है, ना ही आपको कोई कलेक्शन की जरूरत है, आपका कुछ नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने टाइम का एफर्ट लगाना
आना है और अपने फ्रेंड्स लोगों से कॉन्टैक्ट करके उसमें को रीसेल करना है, दैट्स इट। और उस प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट आपने रीसेल किया उसका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको मिल जाएगा। आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ और नया ब्लॉग मैं स्टार्ट करूंगी नए वीडियो से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।